दिल्ली में संत रविदास भगवान का मंदिर तोड़े जाने के विरोध में विदिशा के लटेरी में अहिरवार समाज संघ के लोगों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने कहा कि सरकार मंदिर को दोबारा बनवाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाधित होंगे। अहिरवार समाज संघ के दर्जनों लोगों ने बरसात में भीगते हुए लटेरी तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि दिल्ली में 600 साल पुराने संत रविदास भगवान के मंदिर को सरकार ने बलपूर्वक तोड़ दिया है, जिसको लेकर विदिशा जिले भर में भी अहिरवार समाज संघ के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने बलपूर्वक मंदिर को तोड़ा है, सरकार मंदिर को दोबारा बनवाए, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करने को बाधित होंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। विषय रविदास मंदिर तोड़े जाने का विरोध। उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि तुलक्का वार्ड नई दिल्ली में स्थित रविदास मंदिर तोड़े जाने के विषय में विरोध में रविदास मंदिर के अनुयायियों एवं हिंदू वर्ग को कलंकित करने का यह काम हुआ है। यह भारी निष्कृत काम किया गया है। ये मंदिर सिकंदर बादशाह ने बनवाया था। अतः निवेदन है कि नई दिल्ली तुलक्का वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय की याद में मंदिर तोड़ा गया है, उसे पुनः निर्माण कराया जाए। मंदिर में लगी भूमि मंदिर को सुपुर्द की जाए। सरकार एवं पार्लियामेंट विशेष सत्र बुलाया जाए। सर्व सम्मानित से मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।